हम इस बिल के हवाले से बात कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया ये बिल, अदालती असलाहत से मुतालिक ये बिल। और इस बिल के मंजूर होते ही हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से उसको कहते हैं कि अपडेट्स उस पर सामने आ रही हैं, जिससे नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल गया। अब इसके ऊपर एक नई बहस है कि वो सही है या गलत, उस पर भी बिल्कुल हम बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अहम डेवलपमेंट को? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि आज खबरों के एतबार से बड़ा गर्म दिन है। अक्सर यहाँ पर बैठ के नाज़रीन को आप सुनाती हैं कि आज की सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ क्या है या सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं लेके आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज़। यानी इन सब से हटके? जी, इन सब से हटके उसको मैं सुना देता हूँ, उसके ऊपर तबसरा बाद में करेंगे। काजी फायज़ इसे साहब फरमाते हैं जी कि बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तरमीम तक तमाम मुकदमात को मौखर किया जाए। अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में तीन रुकनी बेंच का फैसला, ये जरा तवज्जो से सुनिएगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बेंच की तश्कील के रूल्स के मुताबिक खसूसी बेंचेस का तसव्वुर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम तक आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करे। जनाब अली, ये है असल खबर। अलग से आपने पटारी में इसके ऊपर नहीं, वो हुआ ये कि मैं आपसे चूंकि दो मिनट ताखीर से आया हूँ तो पीछे मैंने देखा इतना बड़ा फट्टा चल रहा है और मैं सीधी मेकअप रूम से आ रही हूँ, तो इस चीज का फायदा उठाया गया आज। तो वो मैंने फायदा उठाया, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, उठाना चाहिए। खबर जो है उसको तो नहीं रोकना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं जहाँ से आप शुरू करना चाहती है, इसके ऊपर बात करेंगे हम बाद में करेंगे, लेकिन ये कि आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत देर पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए था जो आज हुआ है। सही। आज उसके होने का कॉन्टेक्स मुख्तलिफ हो सकता है, इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस बात पर सबको इत्तफाक है कि ये हुआ ठीक है। हत्ता के हामिद अली खान साहब जो बहुत बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं पीटीआई के, बहुत बड़ा नाम है कानूनदान के हवाले से, उन्होंने कहा जो हुआ है ठीक हुआ है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अफसोस ये है कि ये देर से हुआ है। ये पार्लियामेंट का राइट है कि वो कानून साजी करे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको। अगर हम जमहूरी मुआशरे की बात करते हैं तो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, और आज पार्लियामेंट ने साबित किया कि हम सुप्रीम हैं। कल जो बिल पास हुआ था वो आज कानून की शक्ल उसको दे दी गई है, और ये अब जाहिर है नाफिजुल अमल होगा। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रहती हैं, ये पहले सेनेट में जाएगा, वहाँ भी पास हो जाएगा, कोई मेजोरिटी है हुकूमत के पास। सही। फिर ये फंसेगा जाके सदर मुमलिकत साहब के पास, जिन्होंने रवायत कायम की है कि सदर साहब जो हैं वो पार्टीजन हो सकता है, वो अपनी जमात के इंटरेस्ट को देखेगा, वो पाकिस्तान का सदर नहीं है, वो एक सियासी पार्टी का सदर है, वो पार्टी का भी नहीं है मोहताज, वो सिर्फ एक शख्स का मोहताज है जो उसकी पार्टी का लीडर है, और उसकी खुशनुदी के लिए उन्होंने कैसे कैसे फैसले किए हैं वो तारीख उनको जिन लफ्ज़ों में याद रखेगी वो मेरे ख्याल में तारीख पर छोड़ देते हैं, खुद नहीं कहते हैं। लेकिन वहाँ इस बिल के फंसने की तवक्को है, लेकिन एक दफ़ा भेजेंगे 14 दिन रख सकते हैं अपने पास। हाँ, वो पीछे वाली कहानी तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। हाँ, हाँ। अब आपने बात की है कि इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे। यकीनी तौर पे इसके बेनिफिशरीज में दो बड़े नाम अब तक सामने आ गए हैं कि एक नवाज शरीफ और दूसरे जहांगीर तरीन। सही है। क्योंकि दोनों को सुओ मोटो एक्शन के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया था। सही। वो पनामा की तफसील जो है वो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, और राइट ऑफ अपील नहीं था जो कि अब है। सही। तो मुझे यकीन है कि जल्द या बदेर जो ही ये कानून अपनी अमली शक्ल इख्तियार कर लेगा तो इन दोनों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। याद कीजिए कितने महीनों पहले हमने आप ही के इस प्रोग्राम में कहा था कि कानून रास्ता बनाएगा नवाज शरीफ की वापसी का, लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से कल कर्ज किया इमरान खान साहब ने अपने सो कॉल्ड खिताब टू द नेशन उसमें। लेकिन ये कहते हैं ना कि फेट अकम्पली, ये वो चीज़ें हैं जो होनी होती हैं तो होके रहती हैं। एक बात सही। दूसरी बात ये कि इस बिल के पेश होने के बाद और इसकी मंजूरी तक जो गुफ्तगु हुई उसमें दो तीन चार तकारीर बहुत अहम है। सही है। और मैं सबसे ज़्यादा अहम तकरीर मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है, जो इंतहाई जिम्मेदाराना और बहुत ही मेच्योर्ड गुफ्तगु थी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक डिक्टेटरशिप मुसल्लत की थी इफ्तिखार चौधरी साहब ने, याद आ रहा है ना कुछ जो मैं कह रहा हूँ, और वो आज तक कायम थी।
आने वाले चीफ जस्टिस ने उस सूरत हाल को बदलने की ना कोई कोशिश की, ना जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ किसी का रुझान था, ना कोई चाहता था, क्योंकि इख्तियार इतना बड़ा उनके पास था, कोई भी अपने हाथ से वो इख्तियार छोड़ना नहीं चाहता। ये वही इख्तियार है, इसको इस्तेमाल करते हुए कोई सिटिंग चीफ जस्टिस जो है वो गैर मुल्की दौरे पे जाके फंड इकट्ठे करता है डैम बनाने के लिए, ये चीफ जस्टिस का काम है? तो ये सब कुछ होता रहा। मैं आपको इसकी एक बेहतरीन मिसाल कोट किए बगैर नहीं रह सकता। क्या आपको याद नहीं है कि मुशर्रफ साहब जब वर्दी में थे तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 साल तक अपनी मर्जी से आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया था? कभी सुना आपने दुनिया की जमहूरी तारीख में कोई ऐसा पैरेलल? तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद उनको वर्दी में सदर रहने की इजाजत बख्श दी गई। सही। और बहुत सारी बातें उस दौर की अगर आप रिकॉल करने बैठेंगे तो ऐसे ऐसे चांद चढ़ाए हैं जिसने अदलिया के वकार में इजाफे की बजाय कमी की है। ये हमारे लिए खुशी या जश्न मनाने का मौका नहीं है, ये बहुत तकलीफ दे बात है कि मुल्क का सबसे बड़ा आईनी अदारा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन लाइक सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में इन लफ्जों से आजकल बात हो रही है। तो भाई साहब, आपको लगता है अब ये जो बिल मंजूर हुआ है इसके बाद अदलिया की साख को जो नुकसान पहुंचा उसमें भी बहाली का ये बाइस बनेगा ये बिल, आपको लगता मेरे है? ख्याल से, मेरे ख्याल से अगर हम जो जिन तकारीर का मैं जिक्र कर रहा था उसका भी जिस्ट आप निकाले तो यही है कि वो कहते हैं ना कि इट इज बेटर लेट देन नेवर। सही। एक अच्छा कदम जिस वक्त भी उठा लिया जाए वो अच्छा कदम है और उसके असरात भी मुस्बत होते हैं, वो उसमें मनफी असरात की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा भाई साहब, बिलावल साहब की तकरीर के बाद मुझे वो एक सवाल जहन में आया था, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, क्या आपको भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब खास तौर पर अगर मैं कहूँ तो पीपल्स पार्टी को यू नो अलग से उसकी स्टैंडिंग्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं? ये नहीं कि जो फैसला जो है वज़ीर आज़म ने कर दिया उसके पीछे हम चल पड़े, वो अब उनकी एक अलग से जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की राय होती है, जिस तरह इस इशू के ऊपर कि अगर अगर आइन टूटा है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी, फिर जस्टिस वो जो सॉरी फारूक शनाइक साहब ने भी आज एक बात कही कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है जी, हम मुझे समझ आ गई थी आपका हवाला किस तरफ है, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। वो जहाँ तक इस इत्तेहाद का ताल्लुक है, जहाँ तक इस पॉलिटिकल अलायंस का ताल्लुक है, ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जहाँ तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है जिसकी बात हो रही है जो पास हुआ है बिल, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिजर्वेशंस हैं उन पर सब लोग एक हैं, कोई डिवीजन नहीं है उसके ऊपर। आज की बिलावल भुट्टो की तकरीर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्डेड और मोस्ट इफेक्टिव रही है। वो ये कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब हिम्मत पकड़ें, उठें, जिन्होंने आइन तोड़ा है उनके खिलाफ आइन चिकनी के मुकदमात दर्ज कराएं। इसका मतलब पता क्या है कि अगर आइन किसी ने भी तोड़ा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है कोई या कोई बाहर है, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है जी हाई ट्रीजन जिसको कहते हैं उसका मुकदमा दर्ज कराएं।